नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क अंतर्गत मेन रोड पर पार्क डायरेक्टर की ब्लैक कलर स्कॉर्पियो एवं मानपुर राजस्व कर्मचारी रवि वर्मा की बाइक दोनों वाहनों के आपस में टक्कर हो जाने से स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर रोड के किनारे जंगली झाड़ियों में जाकर फंस गई। वहीं राजस्व कर्मचारी की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जहां इस पूरे घटनाक्रम में राजस्व कर्मचारी रवि वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एवं फॉरेस्ट वाहन के द्वारा जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां घायल रवि वर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं ड्यूटी डॉक्टर रुहेला ने बताया कि घायल युवक को एक्सीडेंट के दौरान चोटें आई हैं, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही अन्य कारणों का पता चल पाएगा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घायल के परिजन एवं आस पड़ोस के लोग जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। इस दौरान मानपुर एसडीएम एवं राजस्व कर्मचारी भी जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घायल कर्मचारी का हालचाल जाना। घटना बांधवगढ़ नेशनल पार्क अंतर्गत धमखोर मोड़ के पास की है, जहां पार्क डायरेक्टर बिसेंट रहीम अपने शासकीय स्कॉर्पियो वाहन से चालक शिव कुमार सिंह के साथ पार्क अंतर्गत निरीक्षण के लिए जा रहे थे। उसी दौरान सामने से राजस्व कर्मचारी रवि वर्मा अपनी ड्यूटी समाप्त करके मानपुर से उमरिया मुख्यालय की ओर आ रहे थे, जहां दोनों वाहनों के टकरा जाने पर जिला मुख्यालय स्थित कैंप मोहल्ला निवासी रवि वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और जांच कार्रवाई में जुट चुकी है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। जो बैरियर है उसके फॉरेस्ट की स्कॉर्पियो गाड़ी उसी से टक्कर हुई है और स्कॉर्पियो दोनों पैरों से चढ़ के निकल गई। खुद एस डी एम ऑफिस में पोस्टेड हैं रवि वर्मा जी। ये अपने ड्यूटी के बाद वापस घर उमरिया आ रहे थे, इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। एक्सीडेंट यार हमारे मित्र का हुआ, रवि वर्मा जो कि राजस्व मानपुर में पदस्थ थे और अभी मानपुर से वापस लौट रहे थे, टू व्हीलर से थे वो। जिस तरह से अभी घटना जो बताई गई है वो बताई जा रही है कि कोई स्कॉर्पियो ने उन पर अटैक किया और उस स्कॉर्पियो से उनका एक्सीडेंट हुआ। एक रवि वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो राजस्व विभाग मानपुर तहसील पदस्थ हैं। इनका बांधवगढ़ नेशनल पार्क के जो रोड निकलती है वहाँ एक फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ है। इनको पैरों में एक बड़ा घाव है और सीने में कुछ चोटें आई हैं और जांग में काफ़ी हेमेटोमा जहाँ जमा है, तो जांग में एक इंजरी। अभी एक्सरे के बाद ही और सोनोग्राफी के बाद ही सब चीज़ें पता होंगी, हम सारा एक्सरे करवा रहे हैं। अभी फिलहाल तो इलाज का चल रहा है, उनका एडमिट कर दिया। विशेष तौर से लॉकडाउन के अंतर्गत ट्रैफिक तो कम है, लेकिन ट्रैफिक कम होने के बाद भी लोगों की चलने की गति बहुत तीव्र है। यातायात पुलिस एवं हमारे सभी जवान जो सेवा में लगे हुए हैं, रक्षा में लगे हुए हैं, नियमों का पालन करने के लिए बार बार अलाउंस कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, लेकिन उसका पालन तोड़ते हैं। नशा में मादक पदार्थों को लेकर के, गांजा शराब इत्यादि पी करके, नशे की वस्तुएं लेकर के वाहन को चलाते हैं, अचानक मोड़ या सामना आ जाता है, उसमें धोखा खाकर एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए घटनाएं बढ़ रही है। हमारा सभी से यही निवेदन और अनुरोध है कि सभी मिल करके इस नियमों का पालन करें, यातायात नियम का पालन करें, वाहन धीरे चलाएं और एक दूसरे से दूरी बना करके इस महामारी से भी बचें।